हेलो गाइस, कैसे आप सभी? स्वागत है आपका मेरे चैनल तन्नो में गेमर पे। तो आज हम जो गेम खेलने रहे थे वो गेम काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार इंटरेस्टिंग होने वाला है। उस गेम का नाम है द बेबी इन येल्लो। तो इसके अंदर एक बेबी होता है जो कि येल्लो कलर का होता है, इसका मतलब ये। और इसके अंदर अभी वो तो पता चलेगा क्या क्या होती हैं। और तो आ जाओ। ओके गाइस, फाइनल गेम स्टार्ट हो रहा है। 10% इतना इतना 40 45 50 70 80 लोडिंग। और यहाँ पे गेम चालू, द बेबी इन येलो। तो ये हमारी नाइट वन होने वाली है। तो चलिए प्रेस हल टू स्टार्ट। तो इसके अंदर ये बच्चा होता है, ये रोता भी। गो बेटर फ्रॉम फ्रिज, गो गेट वॉटर फ्रॉम फ्रिज बोतल। अरे ये रोता नहीं है भाई। ये फ्रिज में से बोतल आने को बोल रहा है। आई थिंक फ्रिज इधर नहीं है तो इधर होएगा। हाँ इधर ही होगा। तो ये रहा, यही तो है इसकी दूध की बोतल। तो ठीक है, इसमें दूध की बोतल पर इसकी पहुँच लिया है। तो ये दीजिए आप। अरे भाई क्या क्या बोलूँ मैं, तेरी पोती कर दी भाई बुराई। टेक बेबी टू चेंजिंग टेबल। ओके गाइस, तो मैं समझ गया क्या करना है। तो हमें ये लेना आई थिंक, क्योंकि यही हो गया इनकी। मतलब मुझे लगता है कि हमें उसे बिठा के चेंज करना है, क्योंकि ऐसे नहीं होगा खड़े खड़े ही। मतलब बिठा के आराम से लेटा के चेंज करना है, ऐसे कैसे कर पाऊंगा। और भाई सच्ची में अच्छी है, मन तो होता पतंग लू मगर पतंग भी दे सकते भाई। अच्छा बैठ गया। मैं समझ में आया था बैठते भी हैं कि नहीं इसमें। ओके गाइस, तो अभी कहाँ गया भाई? मैंने इसको ही दे रखा भाई। ये गेम अलग ही है, बेबी गायब हो रहा है। गेट न्यू हैप्पी नैपी, सॉरी गाइस मैं क्या पद क्या रहा हूँ यार, सही से बोलना चाहिए। अब हो जाएगा। और ये अरे अरे तो भी अब क्या लिखा है, टेक बेबी टू बेड। ओके गाइस, तो अब इसको इसके बेड में ले जाते हैं। आई थिंक ये इसका इधर ही होना चाहिए, बच्चों का तो इतना ही छोटा होता है बेबियों का। मतलब फाइंड द स्टोरी ऑफ बुक एंड सिट डाउन। ठीक है, हम भी इसको अभी स्टोरी बुक सुन। जो भाई आवाज़ कहाँ देगी इसकी, यही आवाज़ देखना पड़ेगा। मैं रुक, सेंसिटिविटी तो ठीक है नहीं, आवाज़ तो चाहिए, आवाज़ के बिना गाना भी चाहिए। मतलब लग नहीं रहा कि गाना और आवाज़ इतनी होने में, तो इसी बहाने आपको भी अच्छा सुनाई दे रहा है भाई। ये गेम बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो शान से देखना ठीक है। द प्रिंस एंड द कैट। तो भाई चलो पढ़ते हैं। Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead. तो ये मेरे हिसाब से मैं और आगे करता हूँ। आई थिंक वो अब तक सो गया होगा। तो गाइस फाइनली वो सो गया है, तो मैं गेट बंद कर देता हूँ। ओके वॉच टीवी। चलो गाइस, अब हम भी थोड़ा आनंद देते, माना कि हम मना तो वो तो मैं आपको दिखाई नहीं पाया। ये तो ही क्या है,
टॉय बॉक्स रॉक्ड V6 मोड्स आराम से बैठ के एंजॉय करते। तो भाई यहाँ पे अब टीवी चलाते हैं। अच्छा हम सोने आए थे कि इससे क्या होता है। अच्छा ऐसे हम झुक जाते हैं, ठीक है। अरे आ गया आ गया, क्या भाई, वही एक तो इतना प्यारा बच्चा, ऊपर से क्या हरकत है ये। बस आई थिंक मुझे चैप्टर सेलेक्ट भी होते हैं इसमें। मुझे तो इस कहानी का कुछ मतलब तो उन्होंने समझाया ही नहीं, कोई चैप्टर का कोई कहानी का मतलब समझाते ही होंगे तो कुछ भी दिखाते होंगे। ब्रेक के अपडेट भाई, ब्रेक केक से सॉरी मैं केक बोल रहा था। चैप्टर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं नाइट वन नहीं पार करना पड़ेगा वो तो है। पहले कहानी नहीं सुनाती है तो गाइस हमें दवाएं ही पड़ेगा ये, और शायद से उसके आगे का तो ये था बहुत नहीं वैसे। तो ठीक है भाई अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, तो जल्दी से मैं बहुत जल्दी आता हूँ। तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आपके लिए भाई बिना सोच के इतनी मस्त वीडियो बनाते हैं, तो इसे लाइक करो भाई। खाने के लिए तो मस्त मस्त रहा है, तो मैं देखा ही नहीं। चलो 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 चलो, अब मैं इधर काम कर। तो गाइस उसको और मेरे साथ सेम ही चीज़ होने वाली सारी, जैसे कि मैं इसको ले लिया खुश हो गया। अब इसने कर दिया भाई काम, अब इसको जल्दी से लेकर आओ जल्दी जल्दी, ठीक है। ये अरे भाई हाँ आ गया भाई, चलो अभी जल्दी से ये लियो ये लियो, और ये गायब हो जाते। तो देखो गाइस जिसको एक कहानी बता मैं अब आपको समझा देता हूँ, तो मैं जो चलते चलते समझाऊंगा, इसी वाला आपको समझ में भी और मेरा भी होता रहे। तो इसकी कहानी में क्या है कि इसके अंदर जो एक आत्मा है, ठीक है, और मतलब कि ये 6 महीने में ही बोलना सीख गया था, इतनी 6 महीने में। हालांकि कुछ बच्चों को मतलब सभी बच्चों को एक से दे सकता है एक सब निकालना, 6 महीने में ही बोलना गया। तो ये उन्हीं के पापा मम्मी को गाली दिया था जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो फिर वो उन्हें एक इसे एक हॉस्टल में छोड़ा है। मगर उनकी भी बस से नाराज, उनकी बस की बात नहीं रही, तो उन्होंने भी खेल दिया कि हम अब आपको नहीं रख सकते, आप अब इसको लेके चले जाइए। अब वो और परेशान हो गए, फिर वो इसे अनाथ आश्रम में लेकर आ गए। तो यही सीन है, ये जब जितना नॉर्मल दिखता सा है ये भाई मेरे को 6 साल का लगता है, इतनी हरकत है ऐसी इसकी उठ जाता है। और अभी तो आपको और मजा आने वाला है, तो मैं काम पे था, टॉक बेबी टू बेड, तो जल्दी इसको बेड में लेके जाते हम लोग। लेट्स गो, अरे जा 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 जा, तो प्यारा बच्चा ले ले। ठीक है इस, तो व्हाट, तो गाइस अब हम आराम से बैठ के सुनाते हैं। ओके गाइस तो हमने इसको सुना दिया है, और भाई ये गायब भी हो जाता है जो कि आपको पता ही है, तो इससे समझ के रहना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या कर सकते हैं। आई थिंक अरे यहाँ पर मैं बॉस टीवी कर सकते हैं, तो क्या चिंता वाली बात। तो चलो गाइस मस्त टीवी देखते हैं, कि उस टीवी में दिख तो रहा है नहीं, अब नींद आ गई हमें, और एक बेबी ने हमें जगा दिया, सेटल बेबी।
और सच बोल रहा हूँ, बेबी सीट संभाले हैं तब कि हम बेबियों को जैसे लोग संभालते हैं ना, कुछ लोग करते हैं, मतलब मैं उसे के नाम नहीं पता था, मैं भूल ही गया। और भाई इसका ये गायब हो जाता है इतना, जिसके हद नहीं है, मुझे पता है सीधे नीचे ही मिलेगा भाई आदमी। ठीक है, पुट बेबी टू बेड अगेन, टेक बेबी टू बेड। ठीक है ठीक, मतलब मैं वापस से इसको करना, इतना शरारती है कि इसको याद नहीं, अब चुपचाप से बैठा रहे यहाँ पे। और हमारा तब भी नाइट वन ही चल रहा था, इसने बीच रात में ही कान कर दिया है। पूछी इन लोग को, अरे मतलब क्या क्या चाहिए भाई, ये अरे आज कल बच्चे लोग भी ना कैसा कि ये बिल्ली इतनी प्यारी है तो शायद क्या पता काम बन जाए जो है इसको देते, इसको देख के तो खैर खुश नहीं हो रहा, मैं क्या पता हो जाए। अरे भाई जुटा हो गया, अरे वाह खुश हो गया, अरे माँ रीवेन करो उसका दूर, चलो बढ़िया रीवेन तो मैं जाऊँ। ठीक है ऐसे करना, चिल आउट वॉच टीवी ऑन द सोफा। हाँ क्यों नहीं, तो भाई सब हम वापिस अपना मस्त ही तो करने वाले हैं काम। मैं वापिस से एक और बार शायद नींद आ गई है तो हाँ भाई सच्ची में हमें जो है नींद आ गई, आ जाओ भाई वापिस से दबाते हैं। और इसका पार्ट टू आपको मेरे सबसे फर्स्ट चैनल में मिलेगा, और मतलब पार्ट टू जो इसका होगा वो फर्स्ट चैनल पे दिखेगा जब बहुत रेड दिखे, मगर दिखे उसी पे, इस पे नहीं दिखेगा पार्ट टू। ठीक है, और पार्ट टू उसमें दिखेगा तो मैं बता भी दूंगा पार्ट टू उसमें दिखता है कि नहीं। तो गेट बोतल फ्रॉम फ्रिज, एक मिनट गाइस। तो गाइस अब हमें वही सेम काम करना है, हमें वापिस से बोतल लेनी है फ्रिज में से। तो आ जाओ यार इसको, अरे वार्ड क्या हो गया, ये लैग है, ये लैग है, ओ माय गॉड भाई क्या होता है कभी कभी तो दोहरे बंदे हैं। ठीक है ये तो वहाँ है क्या, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा इसका। अब तो ठीक लग रहा है, अरे अरे इतना लैग क्यों है भाई, ए चल जा ना, चल जा जैसे था भाई वैसे चल जा। ओके भाई इस गेम का अलग ही हिसाब है। तो अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि दूध की बोतल क्या हम लोग, व्हाट हम रोक दें तो क्या रास्ता है भाई, फाइंड द बोतल उसमें छुपा तो नहीं। ठीक है ये क्या है भाई, पिकअप रेडी, ये नहीं है बोल रहा, इसमें तो बोतल है ही नहीं, क्या काम हो रुके हैं। ओ माय गॉड ये बोतल उधर ही है, यस 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 गी बोतल तो बेबी, क्यों नहीं भाई, मगर भाई ये बेबी बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है, तो हमें इसे समझ के रहना पड़ेगा कि ये हमें कुछ घाटा ना कर दे। ठीक है तो चलो हमने बेबी को वो तो पिला दिया, वो भी खुशी खुशी पी रही है तो बढ़िया बात है। तो अब हमें करना है टेक बेबी टू चेंजिंग टेबल, टेक बेबी तो फिर उसने मुँह तो ये भी क्या बोलूँ भाई मैं, नहीं एक वो बदबू आ रही है, उसके में कुछ ज़्यादा मजा आ गया। तो बता अभी तो ऐसा क्यों है, बता एक बार बता क्या बीमारी कहते हो गटर में पता तू, हाँ या तो इसी रह गए, देख भाई गए मत हो जाओ। ठीक है व्हाट मैं उससे गए होने को रजे भाग रही है, इसका भी अलग हिसाब है। मैं पहली बार अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गेम देखा जो भूत है वो तो ठीक है, मतलब डायपर उसकी वो ही भूत है, वाह भाई उसका डायपर ही भूत है बोल रही। अरे किस पिंजरे में जाके छुप गया वो,
अरे गाइस इनका भी खोलो भाई। गया तो गया कहाँ, इधर तो नहीं लगता मेरे को ही थी। या तो वो ऊपर की साइड तो नहीं गया, हो सकता है। रज को उबे, ये तो इधर ही है। उधर गया क्या आ रहा है? अबे रुक जा शांति से, इसका कोई तो जुगाड़ होगा। बहुत सही, अब बोल। एक मैं ये कह रहा, इन इमरजेंसी ब्रेक गिरा तो ये शायद हमारे काम की चीज आने वाली मुसीबत में। मुझे समझ में कैसे मुसीबत, ये तो बेबी का वो जीप तो पता चल ही जाएगा। बने रहो स्पीड में के पास बनने, तो मैंने उसे बिठा दिया था। और अच्छी बात है कि इस बार वो भाई अपने खुद की पावर का यूज कर किया लेकिन गायब नहीं हुआ। और वो मैं गए कितना खुश हो गया, ये कितना प्यारा बच्चा है, ले ले। व्हाट क्या है भाई ये, मैं इसको देखकर जा रहा था। टेक बेबी टू बेड, भाई तो डरा भरा मत कह यार, इतना डेंजर क्यों है? मेरे को तो ऐसा लगता है मेरी आंखों ऐसे होता है ना, ऐसा लगता है कि मार डरे तो भाई बहुत बुरा वाला भूत है आज। फाइंड द स्टोरी ऑफ बुक एंड सिट डाउन। ओके 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 गाइस, तो ये वही कहानी है एकदम सेम टू सेम। तो सुना देते हैं यहाँ पे, व्हाट अच्छा। और ये हमारी नाइट टू है जो कि मैं पता ही नहीं है कुछ ही। तो आई थिंक इस बार ये मैं तुक्का लगा सकता हूँ कि ये दे देगा आई थिंक। हेलो हेलो यार, देखो भाई हूँ तेरा साना। चलो गाइस तो ज़्यादा हो गया, अब चुपचाप बैठ के इसको कहानी सुना देते हैं, इसकी हमारा भी काम खत्म। चलो भाई हाँ सुन रहे, समझ में आ रही है ना भाई? बड़ी जल्दी सही वैन क्लोज द डोर, फिर वो उस टीवी का ऑप्शन आंटी आई थी कि हर बार यही आता है, इस बार भी यही है, तो इसको ही बंद कर देते हम। और अब सोएंगे बिंदास। तो देख सकते हो अपनी जिंदगी एकदम टू एट द व्हाट, इतनी रात को फोन आया, मैंने मंगवाए थे, थैंक यू, पैसे दिए कोई बात नहीं। कौन सा मेरा बच्चा है, वो तो सही इन्होंने भेजा होगा जिनके मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ तो मैं बता दो, मैं इनकी काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा काम है बेबी सीटिंग, याद आ गया बेबी सीटिंग। तो आई थिंक मैं इसको टेबल में रख देता हूँ, तो फिर अपना काम जो एकदम बिंदास हो जाएगा। ओके तो मैंने इसको टेबल में रख दिया फाइनली। मैं किसी पे अब ये कह रहा है पुट द बॉक्स ऑन द रैंक टेप। ओके ओके ठीक है भाई, अब हम फाइनली सम प्लेसेस टू वॉच टीवी। तो अब हम फाइनली टीवी को एंजॉय कर सकते हैं, वॉच मतलब देख सकते हैं, एंजॉय भी तो देख सकते हैं फाइनली। और अब ये हमारा नाइट थ्री होने वाला है, और हमने नाइट टू तक जैसे जैसे मतलब कर लिया मस्त तरीके से, तो नाइट थ्री होने वाला है, तो लेट्स गो। तो ओके गाइस ये नाइट थ्री वॉच टीवी, और भाई बेबी की आवाज़ आ गई है, तो मैं समझ गया हूँ कि ऊपर ही जाना है। अभी तो कुछ ऐसा लगा नहीं है डरावना सा, अभी तो नॉर्मल ही चल रहा है। री वैन द क्लोज दो, अच्छा ये मेरे को इसमें जो बंद करना, तो फाइंड समथिंग टू ईट। आहा अब कल दिन से खाएंगे, और मुझसे तो आ जा रहा है नहीं। चलो यार बहुत भूख लगी जोड़ा। तो हमारे पास इधर बेड वेड भी पड़ी हैं, और
तो भाई आज तुम्हारा भाई सैंडविच बनाने वाला है, देखो कैसे। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम ये खोलेंगे और ये धुसाएंगे और इसमें रखेंगे, और फिर हम टमाटर, हाँ टमाटर ठीक है, तो फिर हम टमाटर भी घुसाएंगे। अरे घुस जा भाई टमाटर। और भाई चीज अगर ये नहीं खाए ना, मतलब हद है, हद है भाई, एकदम भूख लग रही है कदई जोरदार। एक और बार, एक और चीज भाई, मजे हो गए भाई, मजे हो गए, मजे हो गए। तो सारी दाल तो मैंने नहीं गाई, नुकसान कर जाएगी। और भाई ये मतलब आप ही सीख कर इसको खेलो, आप पिक करे सॉरी इसको आप खेलो कि हम जैसे यूज होते हैं तो। अरे भाई प्याज नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा, देगा सर आई। चलो भाई, और ठीक है भाई, इसको भी दे देते हैं मशरूम, कोई बात नहीं यार, जो गेम है सब बनता है। ये तो मीट आ गया समझे, ये कुछ और ही है, पता नहीं क्या है, खा लेते हैं बढ़िया चीज। और मस्त तरीके से एक और बेड़ लगा देते हैं भाई, कितना बढ़िया लग रहा है, मगर बिना अंडे के तो इसमें मजा ही नहीं आएगा गाइस। लेट्स गो। अच्छा बिना अंडे के काम नहीं, व्हाट ये क्या भाई, फिर मी मैं बच्चे के खाना लाने वाला था, फिर द बेबी यू मॉन्स्टर, मॉन्स्टर वो बच्चा मॉन्स्टर है भाई, किधर है वो खतरनाक बेबी, ओह माय गॉड क्या ही कहते हैं, फिर द बेबी भाई ये बो क्या है भाई, ये गुफा मतलब इतना बड़ा फ्रिज भी, छोटी सी इतना बड़ा फ्रिज तो होता ही नहीं है। व्हाट गेम बंद हो गया, नहीं भाई भाई मैं गेम को ऐड कर दूंगा कसम से भाई, एक मिनट ये कैसे छाव आ रही है भाई, ये कहीं हम फिर द बेबी मॉन्स्टर कहीं जानती, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बेबी के सपने में आ गए जो कि वो अपने सपने में देखता है। ओके तो आज पता चल जाएगा उसका राज, तो पहले मैं देख लेता हूँ कि भाई दालू अभी पीता है सपने में, बच्चा दालू पीता है भाई। चलो भाई बहुत ड्रामा सीन होने वाला है, जल्दी से चल लो देखते हैं। ओपन, तो गाइस हम आ चुके हैं कहीं बाहर, ये लोग तो हमें हमारे घर में जाना है कहीं, ये तो नहीं हमारे ये लोग दे। अबे नहीं भाई दूध की बोतल तो नहीं गिरनी चाहिए भाई, उस बेबी का माहौल बिगड़ेगा बुरा वाला, वो बेबी नहीं मैं तो कहता हूँ भारी बाल समझे, डराते तो बुरा। यस यस आई एम सेफ, आई एम सेफ, क्या है जा बेबी दारू बेबी, ऐसे रोते नहीं है, टेक टू बेबी टू चेंजिंग, हाँ हाँ ये कराएंगे मगर इंदा से भाई ऐसे उल्टा फुलटा काम मत करना, आओ भाई आओ लेट्स गो। ओके गाइस बेबी को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे हैंकी नैपी जो भी अनलिमिटेड है, क्या चुड़ैल थी भाई ये क्या था, इधर डरावना तो था भाई, ये क्या हो गया, और ये बच्चा नहीं भाई हमें मत भाई, ये क्या नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं जल्दी चलो गाइस, गाइस वो इमरजेंसी गैस काम आ सकते हैं, खुल जा यस यस, नहीं मार डाले नहीं 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 पूरा माहौल बिगाड़ दिया है भाई, भाग जा रहे हैं एक बेबी
भाई ये बेबी बहुत ज्यादा ही खतरनाक था यार, मतलब तुम इमेजिन कर समझ नहीं सकता भाई ये इतना खतरनाक होगा। तो एक बेबी टू बेडरूम, मतलब कि बेबी पहले से बेडरूम में या फिर हमें लेके जाना है, मुझे तो वो भाई जगह दिखानी है, मैं देख रहे तो क्या बताओ पहले से बेडरूम में ये कैसे हुआ, हम उसके सपने में आ गए, ये तो सीप कुछ है भाई ये काम पर। अरे इधर है मत करो भाई, ये बच्चा बच्चा ओबे तुम मुँह पर जिप तो लगा दी मैंने, जो भाई ये बहुत खतरनाक है भाई, इसको बिठाओ बेड पे भाई, ये बहुत वीआईपी आदमी है, और क्या करूँ भाई इसको सीप दे देते हैं भाई, भाई ये तो जान ही रहे, खुश हो जाना भाई। हाँ वेरी गुड, तभी मुझे लगता है ज़्यादा डरने की बात नहीं है भाई, मुझे ज़्यादा लग रहा है इस किताब को देख के तो वही किताब है द प्रिंस एंड द सीप। तो भाई चौ पन्ना खोलता हूँ क्या होता है इसमें। ओके भाई ये तो एकदम इसके सपने की तरह ही हो रहा है भाई, ये जान लेगा कहाँ गई, नहीं भाई ये कब आई कुर्सी, इस दूर राजा बन गया भाई, नहीं 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 भाई ये क्या है भाई, ये कौन है भाई, ये गेम तो बहुत ज्यादा भयानक गेम है। ओके गाइस तो भाई इस वाले सीन में तो एकदम हालत ही खराब हो गई लिटरली भाई, ऐसी की तैसी कर दी पूरी, मगर कोई बात नहीं गाइस हम हार नहीं मानेंगे, मगर गेम एक नंबर है ये तो मानना ही पड़ेगा। मोर नाउ अनदर, तो गाइस अब हम ये जो उसके आगे का खेलने जा रहे हैं, ये तो भाई रोक दी नहीं है ये तो रोक दिया, मतलब रोक दी नहीं है सॉरी, ये भी रोक दी है। अच्छा ओपन का ऑप्शन दिख गया भाई, दिख गया भाई ये हमारा घर है और एक बार नंबर चाहिए आपको 10, ठीक है भाई तो चिंता ही, डोंट गो, अभी वो इधर ही था अपस्टेयर भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ऊपर जाके देखते क्या हाल है, नहीं भाई इधर बेबी है भाई, उसने रोक कर दिया, वो खुद को मार रहा है कि क्या करा, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। फॉलो द वाइट रैबिट, कौन सा वाइट रैबिट है यहाँ पे, मुझे तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, और मामला बहुत ज़्यादा गंभीर लग रहा है भाई, वाइट रैबिट ये तो हरा रैबिट भी नहीं दिख रहा भाई, कौन था वो, एक मिनट ये रैबिट जैसे करिए आई थिंक ये रैबिट ही तो है, फॉलो द वाइट भाई, ये रैबिट ही तो लग रहा है पूरा, मोर नाउ भाई क्या है ये अलग ही सा भाई, नहीं भाई खो दे अब कभी वो खुलेगा, फॉलो द वाइट अभी तक में जब भी तो वाइट है अभी, नहीं भाई ये थोड़ी ना वाइट है, ना वाइट है मगर सीप है भाई, है रैबिट कभी से सीप से प्यार होता है तो कभी रैबिट से, मुझे रैबिट है भाई बे, ये क्या हिसाब है मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा इसका, फॉलो द वाइट रैबिट, वाइल्ड रैबिट को फॉलो करना है, मैं किधर है वो ये छुपा है वो ये क्या है भाई, ये तो बहुत खतरनाक है, एक कदम से मजाक सदगे वाला गेम है भाई ये तो, किधर छुपाया है बे, कौन था ये
Just a million maybe. Just hold to red. The by the baby in yellow. कुछ उसके घाटे की चीजें हैं बिल्लियाँ ये क्या ये नहीं उसमें कुछ दवा था क्या है? अगर हमें कुछ पांच कुछ भाई ये तो वही यस 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 नहीं ये क्या है पिकअप ब्रेक का वो तो समझ में आ नहीं रहा है कि रैबिट कौन है वही हमने रोज चेक कर लिया तो देखिए क्या देते हैं बिल्ली मैं एक और बिल्ली में बिग हेड मोड अनलॉक मोड अनलॉक हो गया भाई वो तो ठीक है बेबी की जगह चेंज में मैं कुछ सुन रही नहीं है ये है कौन क्या सही वो बेबी कैसे कुछ हो जाएगा वाइट भाई यही तो अपना भाई तो और कोई तो ये नहीं ऊपर देख लो अच्छे से अगर ऊपर तो नहीं है भाई क्या हिसाब है जी हमका भाई ये क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये तो ये तो खुलते ही होंगे ये भी नहीं खुलते ये भी नहीं खुलते ये मुझे लो ये कौन सी है ये बोल कहीं निकाल रहे हो ये तो कौन सी है तो ज़रूर मैं निकाल रहा हूँ अच्छी तरह अगर मैं चोर प्लांट करता हूँ तब भी गैस कोई फायदा नहीं होता देख रहा हूँ तो यार इस गेम का तो सीन है ही अलग ही सीन है यार बोतल एक मिनट एक बोतल हमें फ्री ओके गाइस ठीक है भाई एक मिनट ठीक है छोटा है एक मिनट झुक भी जा सकते हैं यार और भाई एक मिनट ये क्या चीज है एक तो कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम लोगों ने इसे खेला हुआ है और जिगना ने क्या हुआ देख खेलो गेम तो मजेदार इंटरेस्टिंग और मजेदार है ओके तो भाई ये मुझे खुलता कैंजी अरे लगी साहब है गेम की आगे वाले Follow the white rabbit. अरे white rabbit किधर है? अरे तो जल्दी बढ़ कैसे गए? नहीं भाई ये तो ऐसा गया तो बातें कर रहे हैं बंदा स्विमिंग पूल के तो ठीक है ये तो लगी है white rabbit तो ऊपर पड़ा है मगर ये तो ये डिजाइन ही अलग रहा है रॉक भी कर रखा है इसमें अरे जो खुद को ही नहीं खोलना है भाई कहेंगे हमसे डर गए क्या हमसे डर गए तो गाइस मुझे इस गेम में लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी हमारा टैन ही है जो रॉक है बट मुझे समझ में आ नहीं रहा कि हम क्या कर सकते हैं हमें तो मैंने एस्केप करना है तो शायद से उसके लिए अब कौन से चैप्टर में है तो हम नाइट 3 पे हैं ठीक है तो भाई हम जो है नाइट 3 पे थे गाइस आपको पता ही होगा तो गाइस फॉलो द वाइल्ड रैबिट एंड इसके फॉर्म द बेबी मतलब कि भाई इसी में कोई सीन है फॉलो फॉलो द वाइल्ड रैबिट
You're white everything. ये मैं दो ना कि वापिस करना पड़ेगा मुझे। ओके गाइस, तो हम ये करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर अगर आपको भी करिए अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर में अच्छा लगा हो तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट पीरियड में। तो भाई सपोर्ट दिखाओ अगर आप चाहते हो कि मैं डालू, और अगर आपको मज़ा नहीं आया भाई वैसे कमेंट सेक्शन में बताओ किस टाइप के आपको गेम चाहिए, ये भी बताओ। आप कुछ डालते तो हो नहीं तो यार डालो भाई, तभी तो जाके मैं भी डालूंगा। अरे थोड़ा यार करो यार, व्यूज बढ़ाओ सब्सक्राइब बढ़ाओ, वरना तो इससे नहीं होएगा। तो जो गाइस मिलता है आपसे किसी और नेक्स्ट फिल्म में। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय।